बुकलेट के ऊपर आना है। एलसी ऑसिलेशन के नीचे सीरीज रेजोनेंस सर्किट पेज नंबर 150, पेज नंबर 150 सीरीज रेजोनेंट सर्किट। देखो सीरीज रेजोनेंट सर्किट के अंदर हमने एलसीआर इन सीरीज स्टडी किया, एलसीआर इन सीरीज उसी की एक्सटेंशन है। उसमें इंपीडेंस क्या आई थी, ये आई थी ये एल ओमेगा, ये 1/C ओमेगा। मान लो नॉर्मली मैं फ्रीक्वेंसी को 50 रखता हूं, आप देखा होगा न्यूमेरिकल में नॉर्मली फ्रीक्वेंसी 50 रहती है, चेंज भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, देने वाले की मर्जी है। पर मैं यहां पर अपने सर्किट में जो करंट पास करूंगा या जो ईएमएफ दूंगा, सप्लाई करूंगा, उसमें फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा, ओमेगा को मैं इंक्रीज करूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ओमेगा बढ़ेगा तो एक्स एल क्या होगा, इंक्रीज, ओमेगा बढ़ेगा तो एक्स एल बढ़ेगा, लेकिन अगर ओमेगा बढ़ेगा तो एक्स सी क्या होगा, डिक्रीज, एक्स एल बढ़ेगा एक्स सी कम होगा। मान लो किसी इंस्टेंट पर एक्स एल की वैल्यू बहुत कम है, मान लो 10 है, एक्स सी ज्यादा है, मान लो 100 है, कुछ भी, जब मैंने ओमेगा बढ़ाया एक्स एल बढ़ गया 10, 20, 30, एक्स सी कम हो गया 100, 90, 80, अब बढ़ाते जा रहे हो, एक ऐसी वैल्यू आएगी ओमेगा की जब एक्स एल एक्स सी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा बढ़ने से एक्स एल बढ़ रहा है, एक्स सी कम हो रहा है, और एक इक्वल वैल्यू आ गई। तो जब वो इक्वल वैल्यू आ जाती है, उस खास फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है सीरीज एलसीआर के अंदर जब एक्स एल किसके इक्वल हो जाता है, एक्स सी। और अगर एक्स एल एक्स सी के इक्वल हो जाए, एल ओमेगा 1/C ओमेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा, ओमेगा क्या होता है 2π × फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी 1/√LC। इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस में क्या हुआ, दोनों एक्स एल और एक्स सी की वैल्यू एग्जैक्टली क्या हो गई, सेम। ठीक, जब एक्स एल एक्स सी के इक्वल हो गया, फिर ये भी बता दो, ये टर्म इससे क्या हो जाएगी, कैंसल, जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिर्फ आर, जेड आर के इक्वल आ गया, तो जेड की वैल्यू क्या मैं बोल सकता हूं, मिनिमम हो गई, इससे कम तो नहीं हो सकती, ये तो ऑटोमेटिकली कैंसिल ही हो गए। एक्स एल और एक्स सी का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, जीरो, तो जेड मिनिमम आ जाएगा। तो याद रखना है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे एक्स एल किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स सी, और जेड क्या हो जाएगा, मिनिमम। और अगर जेड मिनिमम हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है। ठीक, पॉइंट क्लियर है यहां तक, ये याद रखना है। इसके बेस पे 91 नंबर शीट रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट।